आज मानू का उत्साह अपने चरम पर था। आज ही उसकी 8वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें उसने अपने पूरे ज़िले में 5वां स्थान प्राप्त किया। दूसरी खुशी की ये बात थी कि आज ही उसका जन्मदिन था। दोनों खुशियों को एक साथ सेलिब्रेट करने के लिए उसके पापा ने आज उसके सभी दोस्तों को पार्टी देने का ऐलान किया, तो मानू झूम कर अपने पापा के गले लग गई। मानू का ननिहाल भी इसी शहर में था। उसके मामा मामी और दो बेटियों के साथ आए उसकी पार्टी में, और उन्होंने मानू को उसके जन्मदिन पर एक लेटेस्ट मॉडल का एंड्रॉयड मोबाइल गिफ्ट किया। मानू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने फटाफट अपनी पार्टी में आए सभी मेहमानों को कैमरे में कैद किया, और उसके दोस्त उसके नए मोबाइल को ईर्ष्या से देख रहे थे। मानू की पूरी छुट्टियां मोबाइल के कारण खूब मज़े में बीतीं। उसके पापा ने भी उसे ज़्यादा नहीं टोका, क्योंकि वो जानते थे कि मानू अपनी पढ़ाई को लेकर कभी कोताही नहीं बरतेगी और स्कूल खुलने के बाद खुद इस मोबाइल से दूरी बना लेगी। मगर मानू का ध्यान पढ़ाई से धीरे धीरे हटता जा रहा था। पेरेंट टीचर मीटिंग में मानू की क्लास टीचर ने उसकी शिकायत की, तो पापा का माथा ठनका। उन्होंने मानू को प्यार से समझाया, डांट भी लगाई और उसकी सहेलियों के उदाहरण भी दिए, मगर मानू के कान पर जूं तक न लेंगी। कई महीने बीत गए, मानू अपने मोबाइल में ही घुसी रहती। अब तो उसने अपने घर के छोटे से बगीचे में भी जाना बंद कर दिया। एक वक्त था जब उसने बड़े चाव से नर्सरी से तरह तरह के पौधे लाकर उसको सजाया था। मानू का ये प्रकृति प्रेम याद आते ही पापा के होठों पर मुस्कान तैर गई। यूं लग रहा था जैसे उन्हें अंधेरे में कोई रोशनी की किरण नजर आई हो। मानू बेटा, अपना मोबाइल देना, तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, पापा ने मानू को आवाज़ लगाई। जी पापा, कहते हुए मानू अपना मोबाइल लेकर पापा के पास आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पापा ने आज उसे मोबाइल को लेकर डांटा नहीं, बल्कि उससे मोबाइल मांगा। देखिए, इसमें एक ऐप डाउनलोड करता हूँ, इसका नाम है प्लांट द ट्री, पापा ने कहा। अच्छा, इसमें क्या होता है, मानू ने उत्सुकता से पूछा। इसमें हम एक बीज रोपेंगे, अगर मोबाइल को आधा घंटा हाथ नहीं लगाओगे तो इसमें एक छोटी सी कोपल निकलेगी, पापा ने मानू को समझाया। क्या क्या सचमुच ऐसा होता है, और अगर एक घंटा हाथ नहीं लगाएंगे तो, मानू का आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। तो कोपले ज़्यादा हो जाएंगी और धीरे धीरे ये बीज एक पेड़ बन जाएगा, फिर खूब सारे पेड़ों से घना जंगल बन जाएगा, पापा ने प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा। मानू के पापा ने ऐप में बीज बोकर मोबाइल टेबल पर रख दिया। मानू को मोबाइल के बिना बेचैनी हो रही थी। वो बार बार टेबल की तरफ देखती, फिर बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाती। आखिरकार उससे रहा नहीं गया और उसने मोबाइल उठाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उसने देखा कि ऐप में दो कोपलियाँ एक साथ खड़ा एक नन्ना सा पौधा मुस्कुरा रहा था, उसके हाथ लगाने के बाद वो पौधा मुरझा गया। मानू को पौधा मुरझाते हुए देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस बार वो पौधे को मुरझाने नहीं देगी। उसने फिर से ऐप में एक बीज बोया और फिर पूरा दिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाया। इस वक्त में उसने मैथ्स के सवाल हल किए, इंग्लिश के पाठ याद किया और अपना अधूरा होमवर्क भी पूरा कर लिया। उसने देखा कि ऐप में 4 पेड़ खड़े लहलहा रहे थे। अब तो मानू को पेड़ लगाने का चस्का लग गया। वो सुबह बीज लगाकर स्कूल जाती और रात को सोते समय मोबाइल देखती तो ऐप में उसे कई सारे पेड़ दिखाई पड़ते। कभी कभी तो जब 2-3 दिन तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाती तो ये पेड़ एक जंगल की शक्ल ले लेते थे। धीरे धीरे उसका मोबाइल का ये मोह कम होने लग गया और वापस वो अपनी पढ़ाई की तरफ लौटने लगी। उसकी क्लास टीचर को भी उसमें परिवर्तन नज़र आया। टीचर ने उसके पापा को फ़ोन करके ये बात बताई तो पापा ठहाका लगा कर हंस पड़े। आज रविवार था,
पापा चाय का कप लेकर बाहर बगीचे में बैठे, तभी मानू ने आकर कहा, पापा देखिए ना कितने सारे गमले खाली पड़े हैं और आज शाम को ही हम लोग नर्सरी से कुछ नए पौधे लाकर यहाँ पर लगाएंगे। सुनकर पापा मुस्कुरा दिए।